नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं मेरे होटल में हूँ और ये मेरा होटल जामनगर में है और एक अच्छा खासा होटल हमें मिला यहाँ पर जामनगर में। डबल बेड है, कुर्सी है, इधर मैं बात करूँ तो चार्जिंग पॉइंट है, कपड़ा लगाने के लिए है, यहाँ पर एक टेबल है, डस्टबिन है, ये मेरा बैग रखा है यहाँ पर तैयार होके, ये आपको टीवी है जो आजकल ज़रूरत नहीं पड़ता है, एसी है, गर्मी में इसकी ज़रूरत रहती है, और ये अटैच वॉशरूम है, साफ सुथरा, गर्म पानी के लिए गीज़र लगा हुआ, और हमारे लिए इस कमरे के लिए एक बालकोनी भी है काफ़ी बड़ा। ये सामने मेन रोड है। तो ये होटल हमें जामनगर में सिर्फ 500 रुपये पर नाइट में मिला। यदि आप इधर आते हैं तो आप रुक सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यहाँ से जामनगर से द्वारका तक जाने वाले हैं, ट्रेन का सफ़र करेंगे। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ इस बेहतरीन वीडियो को, इस बेहतरीन ट्रिप को एंजॉय करें। आइए शुरू करते हैं। और ये हमारा होटल का रिसेप्शन, ये आप नाम देख लें, ये भैया यहाँ आपको मिल जाते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 12 बजे चेकआउट का टाइम है। ये पूरा यहाँ का हिसाब किताब आप देखें। और ये यहाँ पर हमें गिफ्ट भी मिला है, थैंक यू भैया गिफ्ट के लिए। और ये यहाँ पर मच्छी भी है। तो आइए चलते हैं, अभी हमारी ट्रेन में 1 घंटा और रह गया। और ये मेरा होटल जहाँ मैंने एक रात निकाला, इस 3 बत्ती चौराहे के ऊपर, ये यहाँ का व्यू है, आप देख लीजिए। आइए स्टेशन को चलते हैं अभी। और अभी हम इस भाई के साथ बैठ गए हैं जो हमें रेलवे स्टेशन छोड़ेंगे और यहाँ से 40 रुपया ये चार्ज करेंगे और रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। और वहाँ से अभी हमारी ट्रेन में तकरीबन 1 घंटा बाकी है, तो देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी और जो भी होगा मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। और ये अंबर सिनेमा का चौक यहाँ आ गया, यहाँ पे कुछ काम चल रहा है ब्रिज का। और ये यहाँ का पूरा व्यू, ये अंबर सिनेमा है यहाँ का, उसी के नाम पे वो पीछे जो चौक था अंबर चौक। और ये पूरा मार्केट का व्यू या रेलवे स्टेशन का रोड। और ये भाई के साथ हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं, ये सामने रेलवे स्टेशन और सामने एक मस्जिद भी थी। ये रेलवे स्टेशन और ये पुरानी ट्रेन, भाई बता रहे हैं पुरानी ट्रेन का चैतन्य रथ यहाँ पे दर्शा रखा है। और ये जामनगर का टिकट काउंटर जहाँ से हमने टिकट हमारी ले ली है, 80 रुपये की टिकट द्वारका तक की, और द्वारका यहाँ से 130 किलोमीटर के करीब है। आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। और ये जामनगर का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पर अभी हमारी ट्रेन आएगी। और अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ गए हैं, क्योंकि ये 1 नंबर पे जो सामने ट्रेन आपको दिख रही है, ओखा से ये शालीमार जा रही है, उसको वहाँ लगाया है। तो हमारी जो ट्रेन है जो ओखा जाने वाली है या द्वारका की तरफ जो जाती है, वो 2 नंबर पे अभी आएगी। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे।
और ये जामनगर से हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ये ट्रेन जामनगर स्टेशन से और द्वारका की तरफ जा रही है। ये सामने आगे द्वारका आएगा। ओहो, और हमारी ट्रेन अंदर से फुल है द्वारका के लिए। आप ये देखें पूरी हाउस फुल। अभी जामनगर से चले हैं, ये जामनगर का ही है।
किस तरह से इस ट्रेन के द्वारा मुंबई सेंट्रल, ओखा, सोमनाथ, 1922945 गाड़ी नंबर, ये सफ़र यहाँ तक पूरा किया। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।